लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या के नतीजों को देखकर हो रहा है। अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाने माने गायक सोनू निगम की बीजेपी के इस हार पर टिप्पणी वायरल हो रही है, जिसे लेकर उन्हें खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। अब इस मामले में सोनू निगम ने सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ मीडिया कर्मियों की आलोचना की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सोनू निगम के नाम वाले एक दूसरे यूजर सोनू निगम सिंह ने एक्स पर जाकर भाजपा का समर्थन न करने के लिए यूपी के मतदाताओं की आलोचना की। ये पोस्ट तब चर्चा में आया जब लोगों ने मान लिया कि इस मामले पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गायक कोई और नहीं बल्कि सिंगर सोनू निगम है। सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था कि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को सुंदर बनाया, नया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन दिया, 500 साल बाद राम मंदिर बनाया, मंदिर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खड़ा किया, उस पार्टी को अयोध्या सीट के लिए संघर्ष करना पड़ा, शर्मनाक है अयोध्या वासियों। इसे लेकर मीडिया के एक वर्ग ने कहा कि ये पोस्ट गायक सोनू निगम का है। वहीं सोनू निगम ने इस पर कहा कि उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही कहा कि यही कारण था कि उन्होंने 7 साल पहले एक्स छोड़ दिया था। सिंगर का ये भी दावा है कि ये ऐसी ही घिनौनी हरकत है जिसकी वजह से उन्हें 7 साल पहले ट्विटर छोड़ना पड़ा था। मैं राजनीतिक टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता और मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। यानी कि देखा जाए तो उस दिन जो ट्वीट वायरल हुआ था वो सोनू निगम ने नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति ने किया था। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।